फायर्स ने अपनी वर्जन 3 API लॉन्च कर दी है, और अगर आप चाहते हैं कि ट्रेडिंग व्यू से अपने फायर्स के अकाउंट में ऑटोमेशन के जरिए ऑर्डर लगाएं, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि फायर्स की API आप ट्रेडिंग व्यू के साथ कैसे कनेक्ट करें। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं, मैंने एक डेमो नाम का इंडिकेटर ऐड कर रखा है, एंड ये इंडिकेटर कैसे काम कर रहा है एज अ डेमो पर्पस से, जिससे मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका काम करने का तरीका ये है कि कोई भी कैंडल अगर हाई ब्रेक करती है, प्रीवियस हाई को ब्रेक करती है, तो ये ग्रीन डॉट देगा, और ग्रीन डॉट का मतलब है बाय कर लो। ऐसे अगर प्रीवियस कैंडल का लो कोई कैंडल ब्रेक करती है तो रेड डॉट देगा, इसका मतलब है सेल कर लो। एज अ डेमो पर्पस से बनाया, जिससे मैं आपको दिखा दूं। तो ये इंडिकेटर मैंने लगा रखा है, एंड मैंने यहां दो अलर्ट्स भी बना रखे हैं, आपके सामने भी इसे ऑन करूंगा। उससे पहले मैं अपना फायर्स का अकाउंट दिखा देता हूं। यहां 10 ऑर्डर रिजेक्ट हो गए, ये रिजेक्ट इसलिए हुए क्योंकि आज संडे, एंड संडे के दिन ऑर्डर लगते नहीं। एंड मैं जो चार्ट यूज कर रहा हूं वो भी बैंक निफ्टी का यूज कर रहा हूं, क्योंकि कोई भी मार्केट चालू तो है नहीं, तो मेरे को कोई चार्ट लेना था जिससे अलर्ट ट्रिगर करा के फायर्स पर ऑर्डर लगा के आपको दिखा दूं। तो अभी के लिए मैं ये दोनों अलर्ट्स ऑन कर देता हूं, रिस्टार्ट करें। रिस्टार्ट करते के साथ ही यहां पर अलर्ट्स लॉग बनने शुरू हो जाएंगे, जो भी मेरी कंडीशन मैच होगी। जैसे ये देखो शॉर्ट की कंडीशन मैच हुई, शॉर्ट आया, और अगर आप देखोगे पहले यहां 10 थे वो 11 हो गए। अगर मेरे पास अभी फंड होता, अगर मार्केट चालू होती, तो ये प्रीवियस पोजीशन को क्लोज करता बाय की अगर होती तो, और नई शॉर्ट की पोजीशन डाल देता। एंड ऐसे जब बाय का सिग्नल आता तो प्रीवियस पोजीशन को क्लोज करता, नई पोजीशन डाल देता। इस तरीके से काम करता क्योंकि मैंने दो अलर्ट्स बना रखे, एंड ये मेरी कंडीशन पे चलेंगे। तो आपके इंडिकेटर की जो भी कंडीशन है उसके हिसाब से आप चीजें कर सकते हो। अभी के लिए मैं ऑफ कर देता हूं और आपको दिखाता हूं आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो मैं पहले स्टॉप ऑल कर देता हूं। स्टॉप ऑल करा, स्टॉप ऑल करने से पहले दूसरा एक शॉर्ट का सिग्नल आ गया, जिससे ये 12 हो गए होंगे। अब देखोगे तो 12 हो गए। API कनेक्शन करने के लिए आपको एक ब्रिज की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए आपको नेक्स्ट लेवल बोर्ड पे आना है, डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद आपको API क्रेडेंशियल पे क्लिक करना है, जो कि आपके लेफ्ट साइड में दिखेगा। उसके बाद आपको एड API पे क्लिक करना है। मैं एड API पे क्लिक करके दिखा देता हूं आपको। जैसे आप एड API पे क्लिक करोगे, यहां पर आपको फायर्स फाइंड करना है, और यहां पर आपको एड API पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको एज अ यहां पर कोई भी नाम डालना है, आप टेस्ट डाल दो या आपका जो दिल करे वो डाल दो। फिर वर्जन 3 सेलेक्ट करना है, क्योंकि वर्जन 1 और वर्जन 2 इनकी डिसकंटिन्यू हो गई है। उसके बाद आपको फायर्स की यूजर आईडी डालनी है, जो भी यूजर आईडी है, एंड उसके बाद सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको बैक बटन पे क्लिक करना है, ऑल API पे क्लिक करना, आपकी API शो हो जाएगी। मेरे केस में मेरे पास बहुत सारी API है ब्रोकर की, तो मैं फायर्स पे क्लिक कर देता हूं। आपको आपकी API इस तरीके से दिखेगी, ये बाय डिफॉल्ट ऑफ होगी। आपको सबसे पहले इसे ऑन करना है। जैसे आप इसे ऑन करोगे, ऑन करने के बाद कनेक्ट का बटन शो हो जाएगा, आपको कनेक्ट करना है। मैं कनेक्ट करके दिखा देता हूं। जैसे मैं इस पे कनेक्ट करूंगा तो ये कनेक्ट होने की प्रोसेस चल रही है, और ये कनेक्ट होगी सक्सेसफुली। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ये आपको डेली करना है, उसके बाद ही आपके ऑर्डर लगेंगे, अदरवाइज आपके ऑर्डर नहीं लगेंगे, ठीक है जी। तो मैं क्या करता हूं, मैं आप इसके लिए ये भी कर सकते हो कि आप अपनी API के अंदर ऑटो लॉगिन डिटेल डाल सकते हो, जिससे ऑटोमेटिक कनेक्शन बन जाए। ये 5 से 8 के बीच में ऑटोमेटिक कनेक्शन बन जाता है, फिर आपको डेली कनेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये करने के बाद आपको क्या करना है, आपको ट्रेडिंग व्यू पे आने, अपने अलर्ट्स बना देने और सेंटेक्स ऐड कर देने। सेंटेक्स मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे आप देखोगे मेरा लॉन्ग का अलर्ट, इसके अंदर मैंने इंडिकेटर्स अपना सेलेक्ट करा था, जो मेरे इंडिकेटर का नाम है। उसमें 2 अलर्ट्स थे, लॉन्ग का, शॉर्ट का। मैंने लॉन्ग सेलेक्ट कर लिया था एक अलर्ट्स में, वंस पर बार ले लिया था। इधर टैग के लिए मैंने लॉन्ग डाल दिया था, इधर मैंने सेंटेक्स डाला। ये कहां से आएगा अभी मैं आपको बताऊंगा। एक चीज और है, आपको नोटिफिकेशन में जाके अपना वेबुक डाल देना। वेबुक आपको कहां मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूं। वेबुक के लिए आपको डैशबोर्ड पे जाना है। डैशबोर्ड पे जाने के बाद आपको यहां पर सीक्वेंस वेबुक मिलेगा, इसे कॉपी कर लेना है और इसे आपको यहां पर डालना है। एक अलर्ट्स में अगर आप इसे डाल दोगे तो उसके बाद ये सभी अलर्ट्स में ऑटोमेटिकली आपको शो होने लगेगा, बार बार डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आते हैं सेंटेक्स पे। सेंटेक्स के लिए आपको क्या करना वो मैं आपको बता देता हूं। आप यहां आओगे और यहां पर आप देखोगे टूल एंड हेल्प, यहां पर सेंटेक्स जनरेटर, आपको इस पर क्लिक कर देना है। साथ ही में आपको ब्रोकर सिंबल पे भी क्लिक कर देना है। मेरे पास दोनों पेज ओपन है, तो आपको जैसे सेंटेक्स पेज ओपन करोगे कुछ इस तरीके से ओपन होगा। मैं दिखा देता हूं, ये इस तरीके से। आपको यहां पर सबसे पहले फायर सेलेक्ट करना है, मैंने फायर सेलेक्ट करा। उसके बाद यहां पर बहुत सारे ऑर्डर टाइप है, जिसके अंदर आप ऑटो स्ट्राइक प्राइस, TPSL वगैरह वगैरह काफी चीजें ऑर्डर लगा सकते हो, पर जो कॉमन ऑर्डर है वो फुल्ली एल्गो है। तो हमने फुल्ली एल्गो लिया, उसके बाद हमने रेगुलर लिया, फिर ट्रेडिंग सिंबल में हम एज इट इज यही कॉपी कर लेंगे। अभी ये आपको मिलेगा कहां से, अगर आपको कोई और चाहिए तो मैं अभी बता दूंगा। क्वांटिटी में हम 1 डाल देंगे, एंड इसके अंदर हम सिंबल चेंज कर देते हैं क्योंकि हमने पहले भी कई सारे ऑर्डर लगा दिए, एंड उसके अंदर फिर सेम हो जाएगा। तो मैं IOC कर देता हूँ, कैपिटल में ही टाइप करना है, एंड बाय कर देते हैं, मार्केट कर देते हैं। अगर आपको TPSL लेना है तो इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, पर मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। इंटरडे सेलेक्ट करना, जनरेट कर देना। अब ये फुल्ली एल्गो का कोड है, इसका मतलब ये है कि पुरानी पोजीशन को क्लोज करे अगर मेरे पास है, नई पोजीशन मेरी इस सिंबल के अंदर लगाए। ऐसे आपको 2 सेंटेक्स बनाने, एक बाय का एक सेल का। मैंने एक बाय का बना लिया, दोबारा जनरेट करके आपको सेल का बनाना है। ये सेल का बन गया, तो आपके दोनों सेंटेक्स बन गए। इन्हें कॉपी करना है और अपने दोनों अलर्ट्स के अंदर डाल देना है, जो कि मैंने पहले से डाल रखा है। अब डालने के बाद क्या होगा कि आपके ऑर्डर, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था कि ऑर्डर चालू हो जाएंगे, आपके ऑर्डर आपके ब्रोकर पर जाने लगेंगे। और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो टेलीग्राम ग्रुप पे आप मैसेज कर देना या व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड बाय।